आज 2 जुलाई दिन गुरुवार को सुबह की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 213 रिपोर्ट्स के अंदर 19 पॉजिटिव, 194 निगेटिव, जिसमें बताया जा रहा है 19 में से 10 महिला और 9 पुरुष है। कहाँ के और कैसे आपके सामने दिखी है, जिसमें 2 तेलारा है, 2 खदान है, 2 गुलजारपुरा, 2 हरियल पेट, 2 अकोट फैल, वाशिम रोड 1, वाड़ेगांव 1, खैर मोहम्मद प्लाट 1 और बाकी के 80 प्लाट 1, अकोट 1, हमजा प्लाट 1 और आगे जो है मलकापुर जिला बुलढाणा का 1। आज एक सुबह महिला की मौत हो चुकी है, जिसमें रहवासी महिला बताया जा रहा है तेलारा की है। तो देखिए दोस्तों, पूरे पेशेंट निकला आज ही, हथरून का एक निकला पेशेंट, जिसमें अभी उसका उपचार शुरू है। तो बता रहे आगे की जानकारी देखिए आपके सामने। और जो कुछ भी है, आज तक अकोला शहर में जिला अस्पताल में 1587 पेशेंट दाखिल हो चुके हैं, जिसमें 1165 को डिस्चार्ज किया गया और 341 का आज की फिलहाल कंडीशन उपचार शुरू है। आगे की जानकारी हम आपको शाम की प्राप्त करते रहेंगे। पेशेंट चले गए हैं, हथरून गाँव में भी चले गया है, काला मारुति भी निकला है। तो ये बात तो सर ठीक है, जैसा ये अभी इस टाइम में बारिश का माहौल शुरू हो रहा है, तापमान में बदल आ रहा है, इसी देखते मद्देनजर चलते हुए पहले ही कोरोना चालू है, तो लोगों ने अपने आप को सोचना चाहिए और पाबंदी करना चाहिए, नियम का पूरा तरीके से पालन करें तो कोरोना यहाँ से जल्द निकल सकता है, वरना ग्रामीण पहुँच गया, जिला भी पहुँच गया, जिले से राज्य में पहुँच गया। तो आप लोग इसमें दखल दीजिए, बार बार रिस्ट्रिक्शन जारी होगा गवर्नमेंट का, डिस्टेंस और मास्क को डिस्टेंस रखिए, गर्दी का जगह माहौल ना करें, इसी तरीके से बीमारी बीच में से निकलने के चांसेस बन सकते हैं, वरना आप जोड़ कर रहेंगे तो बीमारी भी आपके साथ जुड़ती रहेगी और कदम कदम पर बीमारी रोज़ बढ़ती जा रही है। अपने को कदम कदम से हटाना है, तो अपने आप को ख्याल रखना है और महाराष्ट्र शासन का आदेश प्राप्त करना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट का आदेश प्राप्त करना चाहिए, जनता ने ख्याल रखना चाहिए। अकोला से देखिए आज सुबह की रिपोर्ट रंगरेस की आवाज़ ने आपके सामने प्राप्त की है, शाम की रिपोर्ट बाकी है, शाम रिपोर्ट आते से ही आपके सामने फिर रंगरेस की आवाज़। अकोला से मोइन सर के साथ इरशाद अहमद की रिपोर्ट देखिए।